वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज मैं टॉप 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर अगस्त महीने का 2020 का लेके आया हूँ, जिसमें आज हम 1 से 15 अगस्त का डिस्कस करेंगे। और चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दें और ताकि इसका 16 अगस्त से 31 अगस्त का बीच जो करंट अफेयर है उसका भी मैं बाद में लाऊंगा, मैंने 31 अगस्त के बाद में अपलोड करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? ठीक है, तो किसने किया? तो ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो इसके इसमें क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया था। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अमर सिंह जो थे उनका देहांत हो गया था। जो राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वे पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और वे 64 वर्ष के से उनका देहांत हो गया सिंगापुर में। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस साल जो है 3 अगस्त को मनाया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? संजीवन एक ऐप है, मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा बिहार राज्य ने इस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है, संजीवनी। तो इससे इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जागरूकता ये जानकारियां मिलेगी। मतलब कि ये ऐप ऐसा है जिसमें हम कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो इनका जो होगा राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो राजस्थान 5 का बी ऑप्शन राइट होगा। तो इसके बारे में कुछ जानते रहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलेगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इंदिरा रसोई योजना से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो HDFC बैंक के जो न्यू CEO है किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के CEO और MD बनाए गए हैं। और ये जो 2008 में थे, 2008 में यही जो है चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में जुड़े थे। मतलब कि HDFC बैंक में ये 2008 में चीफ फॉर्मर ऑफिसर के रूप में जुड़े थे और अभी CEO और CMD बन गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया? तो ये कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये 88 साल के थे, मतलब वो 88 साल के थे जिनका देहांत हो गया। वो शिवाजी राव पाटिल थे, शिवाजी राव पाटिल थे जिनका देहांत हो गया 88 साल की उम्र में। और वे 1985 से 1985 मैंने 1985 और 1986 में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो 1985 और 1986 के बीच में वे महाराष्ट्र के लिए कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया। किसको बनाया गया? मनोज सिन्हा को। तो मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया। और मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, यानी कि मनोज सिन्हा जो थे वो रेल मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार को मुख्य सचिव के रूप में किस राज्य के लिए नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के लिए, मणिपुर राज्य के लिए नियुक्त किया गया है। और राजेश कुमार को मणिपुर की राज नजमा, देखो राज्यपाल मतलब कि किसने किया है? तो राजेश कुमार को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और वे इससे पहले जो थे राजेश कुमार एमबीबीएस भी रह चुके हैं, और एक दो साल तक वे डॉक्टर एमबीबीएस पोस्ट पे रहे थे और डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में काम करते थे। ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो किसान के लिए कौन सी रेल जो ट्रेन है दो शहरों के बीच चलेगी? तो किसान रेल क्या है? किसान रेल ट्रेन जो है पूरी मतलब ये किस लिए है? क्योंकि इसमें सिर्फ पार्सल ही ट्रेन होगी, इसको बोलेंगे किसान रेल। पूरी पार्सल ट्रेन होगी, मतलब जो भी ट्रेन है वो पूरी पार्सल ट्रेन होगी, इसमें कोई पैसेंजर वैसेंजर नहीं होगा, सिर्फ इसमें पार्सल ही, या तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वहाँ यहाँ से वहाँ जाएगा, या तो वहाँ से यहाँ आएगा, जिनमें किसानों का अनाज भी जा सकता है, फल सब्जियाँ आदि लाने या ले जाने का काम आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ चलेगी? तो देवलाली से दानापुर तक। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने CAG नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किया गया, तो किनको किया गया है? ये एक IAS अधिकारी थे गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह CAG बनाया गया, मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू को भी बनाया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को किसके जगह पे बनाया गया? तो राजीव महर्षि जो थे पहले उनको रिप्लेस किया गया है उनके जगह पे। और ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे वो IAS ऑफिसर किस बैच के थे? IAS ऑफिसर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वो 1985 बैच के थे। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे इनको 31 अक्टूबर मैंने 31 अक्टूबर 2019 को ये पहले उपराज्यपाल चुने गए थे, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल चुने गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है? तो ये कौन किए? तो ये हरियाणा ने किए हैं, हरियाणा, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। तो राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह हरियाणा सरकार ने कहा है कि जितने भी परिवार के लोग हैं माने जब भी सभी को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन
आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है। ठीक है, तो देखिए कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि यह कोरोना वायरस के चलते यह जो है 2000 टल गया और यह विश्व कप जो था 2021 में होगा। 2020 में होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्या हुआ कोरोना वायरस के कारण यह अब 2021 में होगा। अब क्या होगा, इंडिया में होगा, भारत में होगा। ठीक है, तो अब टी20 विश्व कप जो है महिला वाला अब भारत में होगा, वही अगले साल यानी 2021 में भारत में होगा। ठीक है, अब क्या है कि जो महिला आईसीसी महिला विश्व कप यानी कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो आईसीसी महिला विश्व कप होगा वो क्या होगा, फरवरी और मार्च में 2022 में होगा। कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा, फरवरी और मार्च में, फरवरी और मार्च में होगा और 2022 में होगा। और कहाँ पर होगा, ये आपका न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, तो इतना आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में फरवरी मार्च में होगा जो न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, और पुरुष माने मेन टी ट्वेंटी विश्व कप वो कहाँ होगा, तो ये 2021 में होगा और भारत में ही होगा। ठीक है, 2021 में होगा और इंडिया में ही होगा। इतनी जानकारी आपको रखना है क्रिकेट से रिलेटेड, वर्ल्ड कप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, कहाँ 2021 में टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अगस्त को उद्घाटन माने स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया। तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए यानी कि ये जो किया था कहाँ पर किया गया, तो अब दिल्ली में किया गया। ठीक है, यह क्या होगा, दिल्ली में। लेकिन इससे क्या है कि महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को की थी। ठीक है, सबसे पहले कब किया गया था, इसका जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है इसका सबसे पहले जो घोषणा किया गया था कब, 10 अप्रैल 2017 में पहली बार चंपारण में किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय किया गया था, जब वो 100वां वर्षगांठ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का जब 100वां वर्षगांठ था उस समय इसका पहला राष्ट्र स्वच्छता केंद्र का घोषणा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा कैग के रूप में किसे शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो कैग की किसको नया कैग बनाया गया, तो किसको बनाया गया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को ही फिर से कैग बनाया गया। ठीक है, ये कैग बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग के तौर पर कार्यकाल जो होगा, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का जो कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 20 नवंबर 2024 तक इसका कार्यकाल रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू का कैग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया, मैंने यूपीएससी का जो अध्यक्ष किसे चुना गया, तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है अब किसे चुना गया, तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया। ठीक है, और 4 अप्रैल 2020 तक इसका कार्यकाल रहेगा, कब तक रहेगा, 4 अप्रैल 2022 तक, कब तक, 4 अप्रैल 2022 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, कार्यकाल, और ये जो यूपीएससी माने संघ लोक सेवा आयोग मतलब क्या होता है, यूपीएससी ये जो थे प्रदीप कुमार जोशी, ये 12 मई 2015 को ये जुड़े थे यूपीएससी से, यूपीएससी के सदस्य बने, माने 12 मई 2015 को वो यूपीएससी के सदस्य बने। कौन, प्रदीप कुमार जोशी, जो अब नया अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्न में से
किसने चौथी बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, तो चौथी बार शपथ ली तो कौन ली? तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, माने श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के थे, श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के 74 वर्ष नेता महिंद्र राजपक्षे को ने 9 अगस्त, राजपक्षे 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे कौन थे? गोतबया राजपक्षे राष्ट्रपति थे, मैंने प्रेसिडेंट थे, कहाँ? श्रीलंका के प्रेसिडेंट, यानी कि महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और गोतबया राजपक्षे जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, इन दोनों ने शपथ दिलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण था, इस साल जो था वो 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण था इस वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की, तो कौन थे? लेबनान, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी कौन था? बेरूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है क्या? वर्ल्ड एलिफेंट डे का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मतलब एशिया और अफ्रीका के जो हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना, मतलब एशिया और अफ्रीका का जो हाथी है उसके बारे में जागरूकता फैलाना, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2011 में, इसकी शुरुआत 2011 में हुआ था। सबसे पहले कौन किया था? माइकल क्लार्क तथा पेट्रिसिया सिम्स। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? कि एशिया और अफ्रीका के हाथियों को जागरूकता फैलाना, हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना, और 2011 में सबसे पहले इसका शुरुआत किया गया था, कौन किए थे? माइकल क्लार्क और पेट्रिसिया सिम्स ने की थी सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनीष प्रभात आप संतोष झा की जगह लेंगे। ठीक है, मतलब कि पहले मनीष प्रभात की जगह कौन था सचिव? तो ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो मनीष प्रभात को जो है अब नया राजदूत बनाया जाएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान के, तो उसके जगह पहले जो मनीष प्रभात थे उसके जगह कौन थे पहले? तो संतोष झा थे। कौन थे? संतोष झा। अब संतोष झा के जगह पे मनीष प्रभात को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, वो गए उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलायंस, मैंने ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया, मैंने किसे नियुक्त किया गया? तो इसे किसे चुना गया?
तो प्रमोद भसीन को चुना गया, प्रमोद भसीन को चुना गया, ICRIER के, ठीक है। प्रमोद भसीन जी कैपिटल इंडिया ऑफ इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO ही रह चुके हैं। मतलब क्या थी, प्रमोद भसीन जो थे, अभी अब इसको चेयरमैन बनाया गया, लेकिन इससे पहले एक प्रमोद भसीन जो थे GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन से इकलौते भारतीय शामिल है? तो कौन थे? अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए जानकारी, क्या क्या जानकारी मिला, देखिए अक्षय कुमार जो है वह छठे नंबर पे आते हैं, अक्षय कुमार जो है वो छठे नंबर में आते हैं, और इनका जो रुपया है कितना है, इतना करोड़, 362 करोड़, ठीक है, 362 करोड़, ठीक है। लेकिन जबकि जो पहले शीर्ष स्थान पर है वो 654 करोड़, और वो पहले स्थान में है, और वो कौन है, तो 654 करोड़ जो जो सबसे दुनिया में एक नंबर में है अभिनेताओं, मतलब सबसे एक नंबर में वो कौन है, उनका नाम क्या है, 606, मतलब वो 654 करोड़, उनका नाम क्या है, डेवेन जॉनसन, ठीक है। तो मात्र एक भारतीय अभिनेता है जो अक्षय कुमार है, जिनका 362 करोड़, और जो डेवेन जॉनसन है वो एक नंबर में है, और उनका जो है 654 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की, ठीक है, कौन सा राज्य है, तो आसाम, आसाम राज्य, ठीक है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपया दिया जाएगा, 830 रुपया दिया जाएगा, मतलब प्रति महीने 830 रुपया दिया जाएगा, ताकि ये लोग आवश्यक वस्तु खरीद सके। रेडी, अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपया प्रति महीने वहन करेगी, मतलब प्रति महीने इतना करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी परिवार के लिए, ठीक है, मतलब प्रत्येक परिवार को इतना रुपया दिया जाएगा सामान खरीदने के लिए, 830 रुपया प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, मतलब प्रति महीने दिया जाएगा परिवार को, ठीक है। लेकिन टोटल इतना इन्वेस्ट करेगी, कितना, 210 करोड़ पूरा आसाम में, ठीक है, गरीबों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी शुभारंभ किया है, किसने किया है, कौन सा मंत्रालय ने किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय, किसने किया, जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल मंत्री कौन है अभी, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन है, गजेंद्र गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे जल शक्ति मंत्री है, ठीक है। तो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, तो अमृत योजना, क्या हो गया, अमृत योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो एक नंबर में कौन है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, एक नंबर में कौन है, उड़ीसा, जिनका प्रतिशत है, मैंने स्कोर किया है 85.5,
85.67% स्कोर किया है। ठीक है, तो उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरा स्थान में कौन हासिल किया दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान में जो है वह कौन सा राज्य है, ठीक है, तो दूसरा स्थान में कौन है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिनका परसेंटेज कितना है 75.08, और तीसरा नंबर में तेलंगाना, तेलंगाना जिसका परसेंटेज है 74.04%। तो इस तरह आपको तीन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में याद रखना होगा कि पूछा जा सकता है कि अमृत योजना में जो नंबर वन में कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है, सेकंड में चंडीगढ़ है, थर्ड में तेलंगाना है। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप में जलापूर्ति प्रदान कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एमी पुरस्कार दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एमी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है टेलीविजन में, टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और यह इसका जो है कितना है, 72वां संस्करण है, 72वां संस्करण है इस साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न्ड शुगर उपन्यास की लेखिका कौन है, तो इसकी लेखिका जो है अवनी दोषी है। ठीक है, अवनी दोषी है बर्न्ड शुगर की लेखिका। इनके इस उपन्यास को 2020 में, इनका जो उपन्यास है ये वाला 2020 में इसको बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है, मैंने बुकर प्राइज भी मिला है इस उपन्यास के लिए। ठीक है, बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, बर्न्ड शुगर के लिए जो अवनी दोषी को है उसको 2020 में बुकर प्राइज में भी शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक है, महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो किस शहर में किया जाएगा, तो ब्राजील, मॉरिशस, मलेशिया, यानी कि मलेशिया में किया जाएगा। ठीक है, भारत ने इस चैंपियनशिप में शामिल ना होने का फैसला किया, मैंने भारत ने फैसला कर लिया है कि इस चैंपियनशिप में उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो ये कहाँ होगा, मलेशिया में होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाएँ, ताकि वहाँ पर मैं पर डे 5 करंट अफेयर पोस्ट करता हूँ और क्विज भी पोल के माध्यम से पूछता हूँ, तो आपको यहाँ से क्या होगा, जनरल अवेयरनेस पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं मैथ का और रीजनिंग का लेक्चर अपलोड करता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, आप सभी देख सकते हैं। प्लस में जीके का भी क्लास अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट अच्छा लगता है उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।